गुड इवनिंग एवरीवन, डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल सागर से, मैं भूपेन सेन। इसके पहले भी हम मतलब वीडियो बना चुके हैं, मतलब NSE के बारे में, नेशनल स्टेट कॉरपोरेशन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। दो वीडियो हमने बनाए हैं, उसका फाइनल 24 मार्च को एग्जाम है, वीडियो आप लोग हमारे दे सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, स्कोप देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहली बात, वह बच्चे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, जिनका रनिंग अभी चल रहा है मेरे तरीके से, तो वह अभी से जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर बच्चे हैं, तो अभी से मतलब जॉब के लिए तैयारी चालू कर दें। सबसे पहली बात, बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे दो या तीन कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहले होती है मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, और एक होता है एमएससी एग्रीकल्चर। जिन बच्चों को भी यदि जॉब करना है तो सेंट्रल लेवल की जॉब में चले जा सकते हैं, यदि जिन बच्चों को एमएससी एजी करना है तो एमएससी एजी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बच्चा क्या कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल जॉब के बारे में बात करेंगे, तो सेंट्रल लेवल के बारे में जॉब करेंगे, एक होता है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। देखो AFO ऐसा है कि यह सबसे एग्रीकल्चर में सबसे सरल जॉब है, AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अब AFO ऐसी जॉब है कि आप लोगों को एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। यदि आपके पास प्लानिंग और स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक हो जाता है आपका, ठीक है, इसमें होता है प्री होता है, मेंस होगा, और क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू डजन नॉट डिपेंड, इंटरव्यू यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटरव्यू किस पे डिपेंड करता है, मेंस के। यदि आपके मेंस में स्कोरिंग अच्छा है तो आप AFO के लिए क्या मिल सके से एलिजिबल, ऑटोमेटिक फाइनली आपका AFO में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AFO में तीन चरण होता है, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होता है। प्री होता है कुछ एक कट ऑफ जाता है उसका, जिससे आप कट ऑफ के लिए क्वालिफाई करते हो तो का मेंस होगा। मेंस में प्योरली एग्रीकल्चर रहता है, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी नहीं पूछता है वहां पे, ठीक है। तो AFO जो रहता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आप बीएससी एग्रीकल्चर जैसे पास आउट होते हो तो AFO को फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बारे में देखेंगे AFO होगा, हम सेकंड नंबर पे जाने का मिलते हैं, सेकंड नंबर पे सेंट्रल की जॉब होगी मिलते हैं। कौन से होगी, नाबार्ड। जो नाबार्ड होता है ये भी हर साल मतलब साल में एक बार आता है, हर साल ये नाबार्ड की वैकेंसी भी आती है, लेकिन अभी इस साल नहीं आई है, लेकिन पिछली बार भी इसकी वैकेंसी आई थी। इस साल भी हो सकता है कि जून या जुलाई में इसकी वैकेंसी आ जाए। तो अपनी प्रिपरेशन जो फाइनल लर्निंग में या थर्ड ईयर वाले, तो अपनी प्रिपरेशन क्या रखो, आप कंटिन्यू रखो, जरूर वैकेंसी आएगी। और यदि आप प्रिपरेशन अच्छी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो हम सेंट्रल की जो सेंट्रल लेवल के बारे में देख रहे हैं, AFO देखा, नाबार्ड देखा। थर्ड नंबर पे जॉब होगा यहाँ पे IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ नंबर पे होगा क्रिप्को, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब देखो IFFCO क्रिप्को की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या मिलते हैं, कैसे जॉब मिलते हैं, कैसे आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे IFFCO की बात करेंगे तो हो सकता है कि बात करेंगे जून जुलाई या तो मार्च अप्रैल में आई है। IFFCO क्रिप्को दोनों साथ में आती है, खुद हो सकता है एक या दो महीने छोड़ के आए, ठीक है। एक होता है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करेंगे तो NFL की जो वैकेंसी है, तो NFL की जो वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है, अब इसके अप्रैल में इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट बात करेंगे FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 24 मार्च लास्ट डेट है, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक होता है वेयरहाउस जो होता है, तो वेयरहाउस भी कौन लेता है, मिलते कैसे सेंट्रल लेवल इसको लेता है। और एक लास्ट जॉब आते हैं मिलते कैसे NSE, नेशनल स्टेट कॉरपोरेशन, नेशनल स्टेट जो कॉरपोरेशन, इसका हमने इसको वीडियो बनाए हैं। 24 मार्च इसकी फाइनल लास्ट डेट है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि NSE जो रहेगा क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे बताया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारी बुकें भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में इसको बहुत सारा है, बीएससी एग्रीकल्चर में इसको बहुत सारा है, लेकिन बच्चे को पता नहीं रहता है कि इसको फे भी या नहीं है। फाइनल में जाता है, पूछता है कि क्या NFL भी अपने फील्ड से है, क्या FCI भी अपने फील्ड से है। तो हाँ, ये जॉब भी अपने फील्ड से है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल को देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं अभी हम लोग, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, नाबार्ड, IFFCO, क्रिप्को, NFL, FCI, वेयरहाउस, NSE। तो ये जो वैकेंसियाँ है ये सेंट्रल लेवल इसको निकालता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कोई बच्चे MSCAG में इंटरेस्ट रखता हो तो MSCAG भी कर सकता है, जैसे GRF हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप हुआ, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNK हुआ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और फिर एक होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हुआ। एक होता है PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक होता है TNU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और एक होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कहाँ मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की है। तो जिन बच्चों को यदि MSCAG करना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है GRF और BHU। यहाँ से आप GRF और BHU, GRF या BHU से MSCAG करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो MSCAG का आप यदि करना चाहो, फॉर्म फिल करना चाहो, उनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इनकी डेट भी आप आने वाली है, जैसे GRF की आने वाली है। BHU की डेट क्लोज हो चुकी है, 12 मई को इसका पेपर है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, और जो 21 मई रहेगा तो 21 मई को 340 वालों का ओवरऑल जो उसका पेपर रहता है, 360 नंबर का पेपर होता है। आप लोगों को 360 में से 200 सिलेक्शन के लिए 220 नंबर चाहिए फाइनली, ठीक है। तो MSCAG में आप अप्लाई आप लोग कर सकते हो। अब हम देखते हैं MPU अपम के बारे में देखते हैं यहाँ पे। मैंने MPU अपम इस कारण डाला है कि मैं MP का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे जो MP में जॉब आती है इस प्रकार से आती है। यदि पर्टिकुलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे कि महाराष्ट्र के बच्चे हुए, या तो यूपी के बच्चे हुए, या बिहार के बच्चे हुए, तो आप MPU अपम की जगह अपने स्टेट के यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र, मैंने यहाँ पे तीन पार्ट BSCAG को तीन पार्ट से डिवाइडेशन किया है, तो आप सेंट्रल लेवल यदि महाराष्ट्र से हो तो सेंट्रल लेवल महाराष्ट्र व्यापम, और क्या रहेगा मिलते MSCAG, इसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है।
तो आप देखो हम एमपी अपम की बात करते हैं, तो एमपी अपम में जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो एमपी अपम में यहाँ पे सर एक होता है एग्रीकल्चर मतलब एडीओ होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट होता है, एक होता है एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एक होता है वीडियो। अब देखो वीडियो को भी नोटिफिकेशन डल चुका है, 2 जून इसकी टेंटेटिव डेट डली हुई है कि 2 जून को एग्जाम हो सकता है, हो या नहीं भी हो, पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। एग्जामिनेशन आ गई यदि तो 400 से 500 से टेंटेटिव में डला हुआ है, ऑटोमेटिक आएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सारे इसके मतलब एकदम इसके मतलब कंटिन्यूटी बने हुई है। तो आप अपनी कंटिन्यू रेडी रखो, फाइनली जॉब आना तय है कि मतलब जून या जुलाई में इसकी वैकेंसी आएगी और 400 से 500 सीटें भी आएगी। फाइनली यदि 400 से 500 सीटें आई तो फाइनली इसका कट ऑफ जाएगा 125 नंबर और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। प्लीज यू कंटिन्यू जॉब ना, मतलब कंटिन्यू प्रिपरेशन। नेक्स्ट होता है आरएचओ रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन, एक होता है आत्मा वाटर सेट। आत्मा वाटर सेट की हम पर्टिकुलर यहाँ पे बात करेंगे, तो आत्मा और वाटर सेट क्या मिलते हैं, जो आत्मा वाटर सेट की हम बात करेंगे तो आत्मा और वाटर सेट क्या मिलते हैं, जैसे एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है तो पर्टिकुलर इसको गवर्नमेंट नहीं निकलता है, ये प्रोग्राम है प्रोजेक्ट है, कुछ समय तक चलते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है ऑटोमेटिक ये बंद हो जाते हैं। एक होता है वेयर हाउस। अब देखो वेयर हाउस क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखो 7 नंबर का बॉक्स देखो, तो 7 नंबर में वेयर हाउस लिखा है, सेंट्रल लेवल भी निकालता है इसको एमपी ओपम निकालता है। जब सेंट्रल लेवल की जॉब होती है तो वो अलग होती है, मतलब एमपी ओपम होगा तो इसको अलग निकालेगा, ठीक है। तो एमपी ओपम के हिसाब से होगी, सेंट्रल लेवल के हिसाब से होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। आप एग्रीकल्चर के मतलब नर्वस मत हुई, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल में आते हो तो धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जब आपके फाइनल स्टेज आती है, जब फाइनल में होते हो तो आप जैसे आपका फाइनल कंप्लीट होता है, यदि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से तैयारी चालू कर दी है तो जैसे आपका क्या होता है फाइनल कंप्लीट होता है तो वैसे क्या होता है जैसे सेंट्रल लेवल की जॉब हो गई या एमएससी हो जाए फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यह हमने बताया आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, ये स्कोप है, ठीक है। अब इसको यदि आपको हमारे वीडियो से अच्छा लगे तो प्लीज़ एग्री आपके जो दोस्त है एग्रीकल्चर दोस्त है तो एग्रीकल्चर दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता चले कि बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में स्कोप है, ठीक है। तो स्कोप के बारे में बताइए उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। यदि आपको सेंट्रल लेवल को जॉब करना है सेंट्रल लेवल कर सकते हो, यदि आपको एमएससीजी करना है तो एमएससीजी कर सकते हो, पर बेस्ट रहेगा आप लोगों को कि जॉब में जो सेंट्रल लेवल की जॉब होती है जो एफओ रहेगा, एफओ क्या है सबसे बेस्ट जॉब है। यदि मतलब फिर आपकी डिज़ायर कि आप सेंट्रल लेवल की जॉब करना चाहते हो या एमएससीजी करना चाहते हो, आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो उसमें आप कर सकते हो। अब ये रहा आपके सामने मैंने जो बताया आपको, ये बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ क्या मिलता है कैसे इसको आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो यदि हमारे चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि एग्रीकल्चर का स्कोप है, मतलब डरे नहीं, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।